होटल पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी का SBIL केस को कमजोर करना चाहती है। होटल में भगवान परशुराम भवन के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। होटल भगवान परशुराम भवन के उद्घाटन के अवसर पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, भले ही सभी विपक्ष दल का नेगेटिव गठबंधन कर ले, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता चुनावों के लिए तैयार है। आप पार्टी के SYL के मुद्दे पर कहा कि आप पार्टी नौटंकी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है। जो इस मामले में नौटंकी कर रहे हैं वो हमारे केस को कमजोर करना चाहते हैं। रामविलास यही नहीं रुके, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनक्रांति रैली पर कहा कि कांग्रेस का घर अल्फाबेटिक तौर पर बिखर गया है, और उन्होंने कहा कि कभी हुड्डा कहता था कि मैं अभय चौटाला से कहूंगा कि अविश्वास पत्र लेकर आए। रामविलास शर्मा ने कहा कि हुड्डा अविश्वास पत्र लेकर आए, हम उनका स्वागत करेंगे। रामविलास ने कहा कि हुड्डा ने तो देवीलाल की कई बार धोखा देकर सरकार गिराई थी, यह किसी के सगे नहीं है। हम कहते हैं अभय चौटाला और हुड्डा मिलकर के अविश्वास पत्र लेकर आए, हमें भी मौका मिलेगा और हरियाणा के सदन में बताएंगे कि कब कब हुड्डा ने देवीलाल को धोखा दिया और सरकार गिराई गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये सारे विपक्षी दल नेगेटिव एक गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। SYL का पानी लाने के लिए कह रहे हैं, तो उस बारे में सर क्या कहना है आपका? SYL का जो पानी है जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला दे दिया है जी। अब जो लोग भी SYL को लेकर के नाटक नौटंकी कर रहे हैं वो हमारे केस को कमजोर कर। और एक जनहित जन क्रांति रैली जो हुड्डाजी की चली हुई है सर, उस पर क्या कहेंगे, जो आपके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की? नहीं नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली, कांग्रेस का घर अल्फाबेटिक तौर पर बिखर गया। हुड्डा जी ये कहते हैं कि मैं अभय सिंह चौटाला को भी कहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, मैं हुड्डा जी का स्वागत करूं। जैसे लोकसभा में नरेंद्र भाई मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का डट के मुकाबला किया, ऐसे हरियाणा विधानसभा में भी हमको अवसर मिल जाएगा कि 1982 में चौधरी देवीलाल और बीजेपी, हम गवर्नर साहब तपासे के यहाँ गए थे, हमको धोखा दे के भगा दिया और कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया। हर बार जिस कांग्रेस ने चौधरी देवीलाल का सरकार गिरा के अपमान किया, यदि अच्छा है अभय सिंह जी चौटाला और हुड्डा मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हम इसका मुकाबला करेंगे। और कांग्रेस ने कब कब चौधरी देवीलाल को धोखा दिया, ये बात हम हरियाणा के सदन में बताएं।